इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू वॉन्ट टू बर्न लाइक अ सन। ये मैं नहीं, द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन है। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। जरा ये सुनिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो आज हम ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिन्हें पूरी दुनिया भर में 40 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विनील और मेरा इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो के एंड में मैंने एक क्लिप लगाई है जिसमें कि PM नरेंद्र मोदी कलाम सर के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने अपना मन व्यक्त किया है, तो प्लीज़ ज़रूर उसे देख के ज़रूर जाना। तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में एक गरीब फैमिली में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। उनके पापा एक मुसलमान थे, पर उनके पापा के बेस्ट फ्रेंड एक रामेश्वरम के मंदिर में पंडित थे, इसी वजह से उन्होंने बचपन से ही कभी धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया। कलाम सर बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट थे और वो स्कूल के बाद न्यूज़पेपर बांटने का काम किया करते थे और वे बड़े सपने देखने में विश्वास रखते थे और आसमान में उड़ने की चाहत रखते थे। कलाम सर सपने के लिए कहते हैं कि ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू द थॉट्स एंड द थॉट्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू द एक्शन। कलाम सर बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सादे आदमी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक TV तक नहीं खरीदा था। कलाम सर भारत के इसरो, DRDO ऐसे बड़े बड़े संस्थान में साइंटिस्ट रह चुके हैं और ये तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने के पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। उन्हें भारत रत्न के साथ साथ ही पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब ये सुनिए। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। उनको किसी ने पूछा था कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और जीवन के अंत काल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। कलाम सर एक बार फाइटर पायलट बनते बनते भी रह गए थे क्योंकि वहाँ सिर्फ 8 वैकेंट जगह थी और कलाम सर 9th पोजीशन पे थे। इसलिए कलाम सर फेल्यूर पे कहते हैं कि फेल्यूर इज नॉट अ फेल्यूर, फेल्यूर इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसका मतलब है कि फेल्यूर से हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और फेल्यूर आने पर हमें सीखना स्टार्ट करना चाहिए। फेल्यूर इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, मतलब वहाँ से सीखने की शुरुआत होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। जय हिंद।